वालेकुम दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आ, पिछले कड़ी में हमने आपको बताया था खांसी का एक नस्खा ज़बरदस्त नुस्खा इस बार एक और नुस्खा लेके आया हूँ जो खांसी में काम करेगा और करता है और ये नुस्खा भी आपके किचन में मौजूद अशिया से बनाया जाएगा और बहुत ही साधारण नुस्खा है लेकिन काम इसका असाधारण है तो नोट करें सोठ काली मिर्च पीपल सब दस दस ग्राम लेकर इनको पीस डालें इसका पाउडर बना लें फिर छान लें छानने के बाद जो मोटा मोटा दाना बचे उसको फिर पीस लें इस तरह से महीन कर लें बस दो चुटकी सुबह और दो चुटकी शाम दें इन फ़ायदा होगा शहद से दें तो अति उत्तम बहुत अच्छा है दूसरा नुस्खा नोट कर लें लौंग जायफल पीपल दस दस ग्राम है इसमें जायफल एक ही फल लें जायफल काफ़ी गर्म होता है तो एक ही फल लें काली मिर्च बीस ग्राम मुलेठी बीस ग्राम वंशलोचन बीस ग्राम और मिश्री पाव भर ये एक पाव भर मिश्री का बेस बना के ये नुस्खा है लौंग जायफल पीपल काली मिर्च सौंठ मुलेठी, बंसलोचन ये चीज़ें हैं और ये बहुत आम है मिल जाएंगी पीपल मुलेठी बंसलोचन दो चीज़ें आपको पंसारी के यहाँ से लेनी पड़ेगी हो सकता है किसी का अच्छा किचन हो तो वहाँ पे मुलेठी भी मिल जाए बहरहाल मिश्री रहती है बंसलोचन और ये ले लें अगर आपको लगता है कि हम कहाँ जाएँ कितनी दूर जाएँ कैसे मिलेगी तो आपको मुलेठी पान वालों के यहाँ मिल जाएगी पनवाड़ी के यहाँ बच्चों को भेज के मुलेठी मंगवा लीजिए वहाँ पर मिल जाएगी चलें बहरहाल इन सब को कूट के पीस के छान के महीन करके रख लें ये ज़बरदस्त नुस्खा है और इसको बना लीजिए एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम इसका इस्तेमाल करें और शहद ऊपर से एक चम्मच चटा लें तो बहुत अच्छा है या इस नुस्खे को एक चम्मच लेके दो चम्मच शहद में मिक्स कर लें और ज़बान पे उंगली से चाटें इन शह खांसी ज़ुकाम सीने में जो तकलीफ़ है गले में जो तकलीफ़ है सब परवरदिगार ने चाहा तो दूर हो जाएगी और एक और साधारण सा नुस्खा बताया देता हूं इतना साधारण कि आपको हैरत होगी लेकिन यह भी काम करता है खांसी में हल्दी और गर्म दूध हल्दी को अगर हल्का सा भून लें पिसी हुई हल्दी को एक चम्मच और पाव भर दूध में डाल के पिए इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करेगा और खांसी में फायदा करता है वैसे भी लोग हल्दी दूध पीते हैं अब अगला एक और नुस्खा बताया देता हूं उसको अद्विया नोट कर लें गुड़ हल्दी का पाउडर भुना हुआ अदरक काली मिर्च ये ले लें अब अदरक मान लीजिए कि आप सौ ग्राम ले लेते हैं उसको कूट डालिए कूटने के बाद गुड़ का पाव भर गुड़ ले लीजिए गुड़ का शीरा बना लीजिए उसके बाद अदरक उसमें डाल दीजिए और उबालिए जब उबल जाए आपको लगे कि हाँ इमाम टाइप का हो गया या इसमें अर्क आ गया होगा बस अब इसको छाल लीजिए ये जो पेस्ट या तैयार हुआ है शरबत इसमें भुनी हुई हल्दी और काली मिर्च डाल के कुछ एक उबाल और आ जाने दें बस ये शरबत तैयार है बहुत अच्छे शरबत बहुत बढ़िया खांसी की दवा है आप भी पिए बच्चों को भी पिलाएं पैसा भी बचाएं हमारे लिए दुआ भी कर दें और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें शेयर कर दें लाइक करें कमेंट करें तो ये दो एपिसोड में मैंने नुस्खे बताए हैं पहले में और फिर दूसरे में बस इतना करें इन शाड़े आपको खांसी एलर्जिक खांसी या एलर्जिक बुरंकवाइट यह सब चीज़ें इन परेशान नहीं करेंगी करके देखिए कोई इसमें कोई ख़ास पैसा भी ख़र्च होने वाला नहीं है और है सेहत का सेहत है अल्लामक वरह व वर्क